हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रिया शर्मा और स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। हम लोगों ने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री, और आज जो हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 2 है। ये पहला लेक्चर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिन्होंने भी पहला लेक्चर नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। आज हम जो कवर करेंगे वो करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, साइंटिफिक नोटेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। आज साइंटिफिक नोटेशन जो है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, होता क्या है साइंटिफिक नोटेशन। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, क्या काम में आता है, तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर हमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही, इनका जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन जो इनकी वैल्यूज आती है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इनकी, क्योंकि हमें अभी 11th में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होंगे, है ना, इस चैप्टर में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो ऐसी ऐसी वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी जो कि बहुत ज्यादा लंबी होंगी, ठीक है। इतनी लंबी वैल्यूज होंगी, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, वैल्यूज लाइक 0.00000000000 या 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके इतनी इतनी लंबी वैल्यूज जो है हमें केमिस्ट्री के अंदर पढ़नी होगी, ठीक है। तो अब आप देखिए, ऐसी वैल्यूज को क्या आप ऐसे ही लिख देंगे, क्या इनके लिए कोई एक एप्रोप्रिएट जो अपनी व्यवस्था है, रूल है, वो नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हमें साइंटिफिक नोटेशन पढ़ना है। साइंटिफिक नोटेशन है क्या? साइंटिफिक नोटेशन हमारी हेल्प के लिए है। केमिस्ट्री में हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, एटम्स की वैल्यू, या मैं बोलूं आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका भी तो वैल्यू, कितना लंबा वैल्यू है। देखिए, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इट इज द एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय 10^n। क्या कह रहा है ये, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दूंगी और आपको समझ में आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि ये एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है जिसके अंदर नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। यहां पर n क्या है, यहां पर जो n है वो 0 से लेकर 10 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। यहां पर स्मॉल n क्या है, जो स्मॉल n है वो एक्सपोनेंशियल पावर है, ठीक है। पावर लिखते हैं ना अपन, पावर में लिखते हैं, तो एक्सपोनेंशियल पावर है जो कि नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे कि मैं बात करूं 10^-9, ठीक है, ठीक है। तो ये तो 10 हो गया, देखिए इससे मैच करो, आप इससे मैच करो, ये तो 10 हो गया और ये -9 क्या हो गई वैल्यू स्मॉल n की। मैं स्मॉल n की वैल्यू, सब मैं एग्जांपल ले रही हूं, जैसे कि मान लो 10^8, ठीक है, ये तो 10 तो बेस हो गया, ठीक है, और ये 8 क्या हो गया स्मॉल n की वैल्यू, आप इससे मैच करो, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन हमें हेल्प करता है लंबे लंबे नंबर्स को शॉर्ट में लिखने का। और कैसे लिखते हैं हम, कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय 10^ स्मॉल एन। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझाती भी हूं। एन मल्टीप्लाई बाय 10^n, कोई भी नंबर ले लेती हूं, सपोज करिए मैंने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय, सिंपल से सिंपल नंबर ले रही हूं मैं, 10^2, ठीक है। चलो ये तो बहुत ही छोटा हो गया, इसे हम ऐसे लिखते हैं 5। अब ये 4 क्या हुआ, ये तो n की वैल्यू है, 10 हमारा बेस है ही, और स्मॉल n की वैल्यू क्या हुई प्लस में 5। बात समझ में आई? अगर मैं इस पूरे नंबर को ऐसे ही नॉर्मली लिखूं विदाउट साइंटिफिक नोटेशन, ऐसे अगर मैंने लिखा है तो ये साइंटिफिक नोटेशन है, अगर मैं ऐसे ही लिखूं इसको तो कैसे आ जाएगा ये नंबर 4000000, कितने जीरो हो गए, 10^5, यानी 5 जीरो लगाने हैं मुझे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 4। तो देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। एक तो मैं बहुत 0000 लगाती जाऊं और बोर्ड भरती जाऊं, और एक मैं शॉर्ट में मैंने लिख दिया, तो इससे काफी हेल्प मिलेगी आपको न्यूमेरिकल्स में भी आगे, और आगे जब आप कैलकुलेशन करोगे उसमें भी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम पढ़ लेते हैं कि कैसे मैंने, अब आप भी देख रहे होंगे ना कि मैम ने कैसे 4 लाख को 4 मल्टीप्लाई बाय 10^5 में लिख दिया, कैसे लिख दिया, है ना, आप भी देख रहे होंगे,
तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी। और हाँ, एन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और एन की वैल्यू नेगेटिव भी जा सकती है, स्मॉल एन की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए कुछ रूल्स इसके बारे में, हम साइंटिफिक नोटेशन के बारे में रूल्स देख लेते हैं। रूल्स, पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, फिर उसका हम रूल्स करेंगे। देखिए, पहला एक एग्जांपल लिया है रूल नंबर वन आपको समझाने के लिए, 0.00000004 मीटर। ठीक है, मीटर में है सपोज करिए वैल्यू। अब आप देखिए ये वैल्यू कितनी लंबी है, अगर मैं ऐसे ही लिखूं तो बहुत लंबी है। इसे लिखे साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू क्या रूल है, अगर डेसिमल को मुझे राइट साइड शिफ्ट करना है, यानी चार के बाद शिफ्ट करना है, तो क्या होगा। देखिए यहां पर मैं लिख रही हूं, रूल भी लिख रही हूं, इफ डेसिमल शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट देन सब्सट्रैक्ट द पावर। ठीक है, जब भी ध्यान रखना, अगर हमें डेसिमल को शिफ्ट करना होता है राइट में, यानी इधर अगर हमें डेसिमल लगाना है तो जो पावर होगी उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब ये क्या चीज है, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, फोर डेसिमल को हमें यहां शिफ्ट करना है, मैंने 4.0 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4.0 अब मल्टीप्लाई में 4.0 का कोई दिक्कत नहीं है, बस पॉइंट लगा दिया मैंने, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, फोर भी लिख सकती हूँ और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। 10^10। अब इधर से इधर जा रहा है तो कितने नंबर शिफ्ट कर रहा है, गिने 1, 2, 3, 4, 5, पॉइंट के बाद गिनना है, पॉइंट के बाद गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 को भी गिनना है, तो ये 10 हो गया। ठीक है, अब हमेशा क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है पावर को, तो यहां माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि जब भी हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द राइट तो हमें पावर को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 4.0 × 10^-10 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद में 10 डिजिट्स है। आई बात समझ में, आया पहला रूल समझ में, चलिए दूसरा रूल पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूं सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल क्या है, सपोज करिए अगर हमारा नंबर कुछ इस तरीके से है, 9, 0, 0, सेकेंड रूल पढ़ रहे हैं हम, पहला रूल हमने पढ़ लिया। सपोज करिए जो हमारा नंबर है वो है 9000000000 मीटर, या मैं बोलूं किलोमीटर, इतना कुछ है सपोज करिए। तो अब हम इतने बड़े नंबर को कैसे लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आप ये मान लो कि जो डेसिमल है वो लास्ट में है, जब भी आपके पास बीच में कोई डेसिमल नहीं आए और ऐसी जो नंबर है उसे हमें शॉर्ट करना पड़े साइंटिफिक नोटेशन को, तो आप ये मान लो कि उसका डेसिमल लास्ट में है, मान लिया। अब हमें क्या करना है, इस डेसिमल को हमें शिफ्ट करना है टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड में करना है ना हमारा, लेफ्ट साइड दायां हाथ। ठीक है, हमें इधर शिफ्ट करके इसको छोटा बनाना है साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू। क्या करेंगे, रूल क्या है, इफ डेसिमल शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट देन पावर एडेड, देन एड द पावर, देन एड द पावर। ठीक है, अगर जब भी डेसिमल, क्योंकि यहां पर तो कोई डेसिमल था ही नहीं वैल्यू में, मैंने मान लिया कि लास्ट ही लास्ट में होगा, क्योंकि हमें शॉर्टी करनी है वैल्यू को, साइंटिफिक नोटेशन की तरह हमें बनाना है, तो मैंने क्या किया, इसको आगे यहां पर लेके आना है मुझे, अगर इधर लेके आना है मुझे, मतलब इस जीरो के बाद, यानी 9 के जस्ट बाद में मुझे अगर लेके आना है, तो क्या होगा, जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। चलिए कैसे लिखेंगे हम इस वैल्यू को, 9 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट मुझे यहीं लेके आना है, जीरो लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जीरो या चाहे तो मैं देखिए 9.0 लिखूं और चाहे मैं 9 लिखूं कोई इशू नहीं है, मैंने लिख दिया 9.0 × 10^10। अब ये पॉइंट कितने जीरोस के बाद आके लगा है, काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
9 को काउंट नहीं करना क्योंकि 9 के बाद तो पॉइंट लगा ही है ना, 11। और यहां पर कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं आएगा क्योंकि हमें क्या करना है, एडिशन, ऐड करना है, ठीक है ना, इसलिए यहां पर पॉजिटिव का साइन आएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 9.0 10 रेज़ टू द पावर 10 11, ठीक है ना। और ये एकदम किसकी तरह हो गया, इसकी तरह, बात आई समझ में। तो इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन के दो रूल हैं, जो दोनों रूल मैंने आपको बता दिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देखिए एग्जांपल, सपोज करिए आपके पास अगर वैल्यू आती है 6 2 3.54 10 टू द पावर 6, ठीक है, और मैंने मान लिया ये आगे मीटर है, कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है। अब आपको साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से जो है उस वैल्यू को छोटा करना है, क्या करेंगे आप इसको, हमें तो पता है ना साइंटिफिक नोटेशन में हमें ऐसे बनाना होता है, ठीक है, यहां पर एक ही वैल्यू हमें रखनी होती है, एक वैल्यू के बाद ही हम पॉइंट लगाते हैं, पता है ना। तो मुझे ये पॉइंट जो है यहां लेके आना है ताकि ये वैल्यू और छोटी हो सके। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, 6.2354, ठीक है, पॉइंट यहां पर आ गया। पॉइंट कहां से कहां पर आ रहा है, पॉइंट आ रहा है लेफ्ट साइड में, और जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड में आएगा तो जो पावर है वो क्या होगी, ये तो पॉजिटिव में 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये कहां पर आ रहा है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में अगर आ रहा है तो पावर हमेशा ऐड होगी। तो 6 प्लस ये कितने डिजिट आगे आ रहा है, 2 डिजिट आगे आ रहा है, 6 को नहीं गिनेंगे, सिर्फ 2 डिजिट, देखो इधर से ये इधर आ रहा है और हमें सिर्फ इन दोनों को गिनना है, 1 और 2, तो +2, तो क्या हो गया 6 प्लस 2 8, समझ में आया। ये तो हो गया एडिशन का। अगर मैं बात करूं यहां पर जो वैल्यू होती है, सपोज करिए -6 होती, तो -6 ये यहां से इधर आता, ऑब्वियसली बात है प्लस में जाता, +2 क्या वैल्यू आती, -4, बात आई समझ में। आई होप आपको मैंने एक ही एग्जांपल से दोनों चीजें समझा दी हैं। तो यहां हमारा साइंटिफिक नोटेशन का टर्म थोड़ा सा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन। ये सारी चीजें हमें इसलिए करनी है ताकि आपके लिए कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाए कि इन सारे जो टर्म्स आती हैं, इन सारे जो फिगर्स हैं इस टाइप के, उनका कैसे एडिशन होता है, कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है और कैसे बाकी सारी चीजें होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इन सब चीजों को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं साइंटिफिक नोटेशन वाली फिगर्स का। तो देखिए अगर मैंने साइंटिफिक फिगर्स लिए हैं, दो फिगर्स लूंगी, 4.2 10 रेज टू द पावर 3, ठीक है, एक टर्म ये है और एक टर्म है 3.2 10 रेज टू द पावर 2, एक टर्म ये है। अब इन दोनों टर्म्स का कैसे होगा मल्टीप्लीकेशन अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स में आ जाए तो कैसे करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, जो ये वाली टर्म है, इनको अलग कर लोगे। कैसे लिखोगे, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 3.2, मैंने ये टर्म और ये टर्म अलग अलग कर ली, इन दोनों को साथ में लिख लिया। स्टेप वाइज देखिए आप, है ना, 4.2 मल्टीप्लाई बाय 3.2, एक तो ये आ गया, और हमने क्या किया, 10 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2, इसको अलग कर लिया। सबसे पहले मैं इसको देखती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो आपको पता है ना इसका जो बेस है दोनों का सेम है, अगर सेम बेस होता है तो हम क्या करते हैं, 10 हमने यहां ले लिया, दोनों का सेम बेस है, इसकी पावर में 3 प्लस 2, हमेशा ऐड होता है, हमेशा क्या होगा, एडिशन होगा, 3 प्लस 2, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, 10 रेज टू द पावर 5 हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन, इसको अलग रखिए। अब हम करते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन। इसका मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो एकदम सिंपल तरीके से होता है, जैसे कि हम बाकी जो भी वैल्यूज होती है उसका करते हैं, आपने इसका भी कर रखा होगा छोटे क्लासेस में भी। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 13.44, ठीक है, ये सिंपली हो जाता है। और ऑब्वियसली बात है यहां पर दो अंक के, जैसे एक अंक ये रहा इसके बाद डेसिमल है, एक अंक ये रहा इसके बाद डेसिमल है, टोटल दो अंकों के बाद डेसिमल है, तो यहां पर दो अंकों के बाद डेसिमल। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे इसको,
13.44 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो द पावर 5, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आया समझ में पूरा प्रोसेस? इन दोनों पावर्स को हमें ऐड करना है, अगर बेस सेम हो तो ऊपर की पावर्स जो है वो ऐड होंगी। ठीक है, और ये जो बाकी जो पॉइंट्स में जो होते हैं हमारे नंबर्स वो नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं डिवाइडेशन। तो अब हमें करना है डिवीजन। तो देखिए, डिवीजन के लिए मैं कोई टर्म ले लेती हूं। सपोज करिए मुझे अगर डिवीजन करना है 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेश द पावर 4, ठीक है, डिवाइड बाय 2.0। मैं सिंपल सिंपल नंबर इसलिए ले रही हूं ताकि आपको समझ में इजीली आ जाए, फिर आप धीरे धीरे हार्ड भी चीजें कर पाओगे। 10 रेश द पावर 2। अब हमें इसको डिवाइड करना है, जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन में किया था, जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन में किया था कि पावर्स को हमने अलग कर लिया था और इसको हमने अलग कर लिया था नंबर्स को, तो यहां पर भी हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, यहां पर 6.0 को मैं 6/2 लिखू, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3। हो गया इसका डिविजन। अब पावर्स को अगर हम करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना पावर्स का कैसे डिविजन होगा। ये है देखिए पावर क्या होगा, जो ये पावर बेस सेम है, अगर बेस सेम हो तो जो ये पावर है, ये जो 2 है, ये ऊपर चला जाएगा और हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लीकेशन में क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था पावर्स का, लेकिन डिवीजन में क्या होगा, पावर्स का सब्ट्रैक्शन, यानी ये क्या हो जाएगी, 10^4 माइनस इधर 2 आ जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी इधर। हमेशा ध्यान रखना अगर वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी तो पावर जो है वो सब्सट्रैक्ट होगी, माइनस में होगी, तो क्या हो गया, यहां पर 2 आ गया और यहां मेरा आंसर था 3। क्या लिखेंगे हम इसे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेश टू द पावर 2। आंसर क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेश टू द पावर 2। तो इसका आंसर हुआ 3। मैं चाहे तो ये भी लगा सकती हूं 0.0, कोई दिक्कत नहीं है, 10 रेश टू द पावर 2। तो डिविजन आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, पावर को ऊपर ले जाते टाइम जो है सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट मैंने कर दिया। बाकी जो अपना नंबर होता है, जो कैपिटल एन होता है, उसको हम नॉर्मली जो डिवीजन करते हैं वैसे हमें करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन देखिए, हमें करना है एडिशन। मैंने यहां पर दो वैल्यूज ले ली हैं, अब इनका हमें क्या करना है, एडिशन करना है, प्लस करना है। कैसे करेंगे प्लस, हमेशा ध्यान रखना एडिशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले पावर्स की तरफ देखना है कि क्या पावर्स सेम है। अगर पावर्स सेम है ना तो सारी चीजें इजीली हो जाएंगी। कैसे, ये देखिए पावर अलग अलग है ना, ये 10 रेज टू द पावर 4 है, ये 10 रेज टू द पावर 3 है, तो मुझे इसको 10 रेज टू द पावर 4 करना है, या फिर मैं इसको 10 रेज टू द पावर 3 कर लूं। तो मैं क्या करूंगी, इसको 10 रेज टू द पावर 4 कर लेती हूं। कैसे करेंगे, हमें पता है ना कि अगर यहां पर हमें इधर अगर हमें एडिशन चाहिए, हमें 4 चाहिए ना, तो मतलब हमें यहां पर प्लस 1 चाहिए। अगर हमें पावर में प्लस 1 चाहिए तो हमें वैल्यू कहां शिफ्ट करनी पड़ेगी, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हमें ये क्या लिखना पड़ेगा, 0.0 लगा सकते हैं, 0.895 10 रेज टू द पावर 4, क्योंकि आपको पता है कि पावर तभी ऐड होती है, मैंने आपको बताया था साइंटिफिक नोटेशन में, पावर तब ऐड होती है जब जो डेसिमल है वो कहां शिफ्ट होता है, इस साइड यानी लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4। अब 6.65 10 रेज टू द पावर 4 का एडिशन इजिली हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, जो इस टर्म में से 10 रेज टू द पावर 4 और इस टर्म में से 10 रेज टू द पावर 4 को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन पता है ना क्या होता है, कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या क्या आ गया, 6.65 प्लस 0.895। अब इन दोनों का हमें करना है नॉर्मली एडिशन, जो कि आप छोटी कक्षाओं में कर चुके हैं। क्या आएगी वैल्यू, इसको आप इधर के बाद वैल्यू आएगी 7.545।
ठीक है 7.545। तो अब हम इसका ब्रैकेट हटा सकते हैं और लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 10^4। तो क्या हुआ एडिशन इस तरीके से। तो आई होप आपको पूरा स्टेप अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे सब्सट्रैक्शन। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी सेम ही चीज होती है। सपोज करिए मैंने सब्ट्रैक्शन में, बस सब्ट्रैक्शन में आपको ये देखना होगा कि छोटी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, बाकी सब इजी है। सपोज करिए मैंने वैल्यू ली 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10^4 और हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2.1 10^2। ठीक है, हमें इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले इसको, मैं एक ही काम करूंगी कि इसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम एडिशन की तरह करना है, पावर्स को जो है आपको इक्वल करना है। बेस अगर सेम है तो पावर्स को इक्वल कर लो ताकि आप कॉमन ले पाओ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको जो है मुझे +4 करना है। तो कैसे करूंगी, मुझे शिफ्ट करना है आगे, और अब हमें अगर इसे +4 करना है तो यहां पर चाहिए होगा +2। ठीक है, और +2 करने के लिए मुझे 2 डेसिमल आगे लेके जाना पड़ेगा पॉइंट को। तो यहां पर तो सिर्फ एक ही डेसिमल है, क्या करूंगी 0 लगा देती हूँ आगे। 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे 0.2 भी तो लिख सकती हूँ 2 को। तो डेसिमल यहां से इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.02 या 0.02। देखिए जब डेसिमल इधर आया तो वैल्यू क्या आई, 0.021 मल्टीप्लाई बाय 10^4। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर +2 एड कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने सब्सट्रैक्शन में हम कर रहे हैं, हम क्या करेंगे अब जैसा हमने एडिशन में किया था, यानी इन दोनों टर्म्स में से हम 10^4 को कॉमन ले सकते हैं। देखिए 10^4 मैंने 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आया 4.2 - 0.021। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 4.179, और ये 10^4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10^4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा आंसर किसका, सब्सट्रैक्शन का, जो कि हमारे पास ये था। ठीक है, तो आई होप आपको सब्सट्रैक्शन समझ में आया हो। कुछ भी मुश्किल नहीं है सब्सट्रैक्शन में, सेम एडिशन की तरह है, बस एडिशन में जो है कॉमन लेना पड़ता है, सब्सट्रैक्शन में भी कॉमन लेना पड़ता है, और जो नॉर्मल हम सब्सट्रैक्ट करते आए हैं, माइनस करते आए हैं, वो हमें करना होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करिए। तो चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच।